बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को ये देखकर यकीनन रोना जरूर आएगा। सुशांत के चाहने वालों को ये देखकर रोना जरूर आएगा। किस तरह से सुशांत निधन से पहले अपनी फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग के बाद जब उस लुक में हुआ करते थे तो सुशांत अपने टेरिस पर अकेले बैठकर बेहद सुस्त पड़े हुए बच्चों की तरह खेला करते थे। बचपन में अगर आपको याद होगा तो आपने भी एक समय में बारिश के ज़माने में अपने किताबों के पन्ने या फिर कॉपी के पन्ने को लेकर पेपर का बोट बनाकर उड़ाना सीखा होगा। पेपर का बोट बनाकर पानी में बहाना और पेपर के प्लेन बनाकर आसमान में उड़ाना सीखा होगा। वही अंदाज सुशांत सिंह राजपूत का देखने को मिला। ये देखकर लोग ज़रूर रोए होंगे क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली भी नहीं जानती थी। इतने अकेले पड़ गए थे सुशांत कि उन्हें अपने बचपन के दिनों की याद आ रही थी जब उनकी माँ इस दुनिया में थी, जब उनके परिवार वाले इस दुनिया में थे। वैसे आपको बताना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट में कि सुशांत सिंह राजपूत वाकई में जिस तरह से आखिरी समय में बचपन के दिनों को इन्जॉय कर रहे थे, उससे ये साफ जाहिर होती है बातें कि वाकई में सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ज़्यादा पसंद था वो समय जो उनके लिए बहुत ख़ास था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ अपने इस रिपोर्ट में टेरेस में अकेलापन इन्जॉय करने वाले सुशांत की। तब रिया भी उनके साथ नहीं थी, ना तो उनके कोई रूममेट उनके साथ थे। उस वक्त अगर उनके साथ कोई था तो सिर्फ और सिर्फ उनका अकेलापन। जब प्लेन उड़ा रहे थे, खेल रहे थे दर्द में, सुशांत अकेलेपन के दर्द को मिटाने के लिए सुशांत कुछ ऐसे कर रहे थे। वाकई में ये देखकर लोग तो हैरान होंगे ही कि सुशांत सिंह राजपूत कितने अकेले पड़ गए थे। इस वीडियो को काफ़ी तेज़ी से वायरल किया जा रहा है सीबीआई जांच के बीच। इस वीडियो के ज़रिए ये भी सच्चाई है कि सुशांत वाकई में अकेलेपन से अकेले ही लड़ रहे थे और उनके इस दर्द भरे समय में कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था, उनके साथ कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेले थे, वो बहुत अकेले पड़ गए थे, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। लेकिन ये बात वो किसी से नहीं बताते थे, अकेले कुछ ऐसे ही लड़ रहे थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।